सो हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज की इस नया वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का फ्लोटिंग गाइस। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, तो आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किए थे, मतलब आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सामने भाई शिवरात्रि आ रहा है तो उसके लिए एक स्पेशल फ्लोटिंग करके दिखाओ हम लोगों को, ताकि हम लोग भी कर पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को बस एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक कर देना है, और चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर लेना ऐसा है नया नया वीडियोज देखने के लिए। और हाँ गाइस, मुझे इंस्टा पर भी जाकर फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो जाओ जाकर अभी फॉलो कर लो, क्योंकि वहीं पर मैं सब कुछ अपडेट दे देता हूँ जैसे कि फोटोज़ वीडियोज़, तो जाकर फॉलो ज़रूर कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पिक्सआर्ट के अंदर बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है, और ये वाला बैकग्राउंड का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ। एंड जो भी कुछ सारा PNG यूज़ करूँगा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, तो फुल वीडियो देखने के बाद डाउनलोड करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से ऐड फोटो ऑप्शन से आप लोगों को अपना जो फोटो है उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐड फोटो ऑप्शन से मैं फोटो को ऐड कर लेता हूँ सिंपली। सो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, मैं फोटो यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ एंड कटआउट भी पहले से ही करके रखा था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए। एंड जिन लोगों को पता नहीं है कि HD क्वालिटी में कैसे कटआउट करते हैं बैकग्राउंड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वीडियो का लिंक है, जाकर देख सकते हो जिन लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो कटआउट करने के बाद, यहाँ पर ऐड करने के बाद आप लोगों को सिंपली कुछ इस तरीके से पोजीशन करके बिठा देना है फोटो को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से बिठा देता हूँ एंड कर देता हूँ ऊपर से डन। और डन करने के बाद आप लोगों को अब 2 PNG ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड फोटो ऑप्शन से सिंपली ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, आप लोगों को यहाँ पर दो नहीं, यहाँ पर 3 PNG ऐड करना है, तो एक ही साथ में ऐड कर लिया हूँ, देख सकते हो गाइस। ये एक तिलक का PNG और यहाँ पर एक फायर का PNG और यहाँ पर हेयर्स का PNG, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर जो फायर वाला PNG इसका वर्क कर लेता हूँ यहाँ पर। तो आप लोगों को इसका क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप लोगों को इसका जो कलर है चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए आप लोगों को सिंपली एडजस्ट पर आना है और यहाँ पर ह्यू पर आना है, और आप लोगों को कलर चेंज कर देना है, ठीक है। बैकग्राउंड का जैसा कलर है आप लोगों को वैसे ही कर देना है। तो यहाँ पर गाइज, आप लोग 28 से 29 माइनस कर दो तो सेम कलर आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर से डन कर देना है, और ये वाला PNG आप लोगों को सिंपली कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। और ये जो वाला PNG है हेयर्स का, तो हेयर्स का PNG भी मैं लगा लूँगा यहाँ पर सिंपली। तो जहाँ पर इरेज करना होगा आप लोग इरेज कर लेना भाई कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जहाँ पर ज़रूरत होगा कि ये चीज़ मुझे ये पार्ट ज़्यादा लग रहा है, तो वहाँ पर इरेज कर लेना कुछ इस तरीके से, एकदम मैच हो जाएगा हेयर्स। और ये जो PNG है इसका जो ब्लेंड मोड है चेंज करना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पर ब्लेंड मोड में आकर स्क्रीन कर देता हूँ एंड सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गाइस, यहाँ पर जो पीछे का जो बैकग्राउंड था उसको थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे का जो व्हाइट वाला हिस्सा वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके साइड साइज कर लेता हूँ एंड कुछ इस तरीके से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी भाई कर लेना, नहीं तो यहाँ पर दिखाई देगा तो बहुत ही खराब लगेगा दिखने में। तो आप लोग कुछ इस तरीके से साइड साइड सिर्फ यहाँ पर कुछ इस तरीके से इरेज कर लो, ठीक है। आप लोगों को एकदम बराबर इरेज करना है, ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग सिर्फ साइड साइड इरेज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेने के बाद आप लोग सिंपली डन करना है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से माथे के ऊपर यहाँ पर लगा देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऊपर से कर दूंगा डन। और डन करने के बाद आप लोगों को सिंपली गाइस और एक PNG का ज़रूरत होगा, तो यहाँ पर मैं ऐड फोटो से ऐड कर लेता हूँ सिंपली। सो गाइस, देख सकते हो ये वाला PNG, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसका भी जो ब्लेंड मोड है चेंज करना पड़ेगा, इसको स्क्रीन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका ब्लेंड मोड चेंज करके स्क्रीन नहीं, सॉरी गाइस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर नीचे यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं लगा दूंगा यहाँ पर गाइस, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर बिठा दिया हूँ, तो आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से बिठा देना है एंड ऊपर से कर देना है डन। तो अब सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अब थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ले जाना पड़ेगा इस फोटो को लाइट रूम के अंदर। तो पहले इस फोटो को ड्रॉ टूल में जाकर सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करके सेव इमेज। तो चलिए अब चलते हैं लाइट रूम के अंदर। सो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं लाइट रूम के अंदर आ गया हूँ एंड आ जाता हूँ यहाँ पर ऑल फोटो में, और यहाँ पर देख सकते हो गाइस फोटो में ऐड कर लिया हूँ, तो आप लोग भी ऐड कर लेना। और गाइस, यहाँ पर देख सकते हो हेयर्स के यहाँ पर एक कट लगाया था मैं, आप लोग बाद में कमेंट करके मत बताना कि भाई ये तूने नहीं दिखाया, चीटिंग किया। तो ये कट ऑटोमेटिक स्केच बुक से भी लगा सकते हो आप लोग, तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वीडियो का लिंक है, जाकर देख लेना। तो यहाँ पर गाइस सिंपली मैं कलर एडजस्टमेंट कर लूँगा, तो यहाँ पर सिंपली मैं आ जाऊँगा पहले ही कलर ऑप्शन पर, और यहाँ पर मिक्स टूल, और यहाँ पर ह्यू को थोड़ा सा डाउन करूँगा गाइस थोड़ा सा, ठीक है, और सैचुरेशन थोड़ा सा डालूंगा, और यहाँ पर जो ऑरेंज कलर है यहाँ पर आ जाऊँगा और सैचुरेशन थोड़ा सा डाउन करूँगा, और यहाँ पर लूमियंस को थोड़ा सा हाई करूँगा फेस को व्हाइट करने के लिए, ठीक है। तो मुझे इतना ही व्हाइट चाहिए तो मैं कर लिया हूँ, और जो येलो है येलो का सैचुरेशन थोड़ा सा डाउन करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाऊँगा यहाँ पर इस कलर में, ब्लू कलर का जो यहाँ पर सैचुरेशन है फुल डिक्रीज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते जो मैं यहाँ पर ड्रेस पहना हूँ वहाँ पर थोड़ा सा अलग सा ही इफेक्ट आ रहा है, मतलब ब्लू ब्लू इफेक्ट आ रहा है,
तो मुझे पूरा फुल ब्लैक चाहिए ये वाला ड्रेस, तो इसलिए मैं यहाँ पर डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग ये जो सीएन कलर है, सीएन कलर का सैचुरेशन फुल डिक्रीज कर दूंगा मैं, आप लोग चाहे तो रख सकते हो, देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके का लगा दिखने में, ठीक है। आप लोग अगर कुछ इस तरीके से करोगे तो लेकिन मुझे नहीं चाहिए भाई, इसलिए मैं यहाँ पर फुल डिक्रीज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इस कलर में आने के बाद सिंपली सैचुरेशन डाउन करूंगा, बहुत ही बढ़िया। अब कर दूंगा डन, और डन करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो टेम्प है टेम्प को थोड़ा सा डिक्रीज, और जो टिंट है टिंट को थोड़ा सा इंक्रीज, ठीक है, कुछ इतना ही किया था। और वाइब्रेशन थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा यहाँ पर, और जो सैचुरेशन है थोड़ा सा डिक्रीज। अब आ जाऊँगा इस टूल पर, टेक्सचर ऐड करूँगा, क्लियरिटी ऐड करूँगा, डेज को भी थोड़ा सा ऐड कर दूँगा, ठीक है। और थिकनेस थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज, तो यहाँ पर लगभग 20 डिक्रीज कर देता हूँ मैं, ठीक है। और अब इस टूल पर आने के बाद सिंपली शार्पनिंग डालूंगा, नॉइज डिटेक्शन और कलर नॉइज डिटेक्शन, तो ये भी हो गया है, बहुत ही सिंपल था, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, देखकर पता लग ही गया होगा। एंड आप लोगों को सिंपली अब लास्ट जो चीज़ करना है, यहाँ पर इस टूल पर आना है, यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर चूज़ कर लेना है क्रॉप टूल, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को फ्लैट लिप शैडो या आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एस कर्व यूज़ करना है, जो आप लोगों के पिक्चर के ऊपर अच्छा लग रहा है वो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर फ्लैट ही अच्छा लगता है हर टाइम, क्योंकि फ्लैट वाला जो इफेक्ट है यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मैं ऊपर से डन कर देता हूँ, एंड डन करने के बाद देख सकते हो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ गया है। तो कम करने के लिए आप लोगों को पता है लाइट वाला टूल्स पर आना है, और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट आप लोगों को यहाँ पर डिक्रीज़ कर देना है, तो लगभग मैं यहाँ पर 80 डिक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो ग्लॉसी वाला लुक आ गया है वो वाला इफेक्ट डालने के बाद। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बिफोर वाला, ये देख सकते हो गाइस बिफोर वाला जो पिक्सार्ट से किया था, और कलर ग्रेडिंग करने के बाद देख सकते हो गाइस। तो आप लोग बहुत ही आसानी से कुछ इस टाइप का एडिटिंग कर सकते हो, सामने तो शिवरात्रि आ ही रहा है, तो आप लोगों ने कमेंट करके बताए थे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस। तो वीडियो अगर पसंद आए तो कर देना एक लाइक, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी कर पाए कुछ इस टाइप से एडिटिंग। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।